इस तरीके से हो चुका है हमारा बैलूम का लुक। आप इस तरीके से अलार्म बैलूम, नोटिफिकेशन कॉल की बैलूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है लुक देखने में। तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास है रेडमी का नोट फोर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, रेडमी शाओमी के नोट सीरीज के फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मस्त होते हैं और पॉपुलर होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो, नोट 4, नोट 5 और नोट 6 प्रो भी अभी लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे में ये बात बनती है कि अभी तक रेडमी नोट 4 में हमें MIUI 10 का अपडेट नहीं देखने को मिला है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आप अपने रेडमी नोट 4 में MIUI 10 के कुछ फीचर्स डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ लुक को MIUI 10 की तरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम चेंज कर पाएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। इसकी मदद से आप अपने रेडमी नोट 4 में कुछ चेंजेस कर पाएंगे MIUI 10 के जैसा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम करते हैं चेंज। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसके नोटिफिकेशन यानी ब्राइटनेस को। तो जैसा कि आप जानते होंगे, रेडमी MIUI 10 के अपडेट में आप ब्राइटनेस चेंज बहुत ही अलग दिखता है MIUI 9 के अपेक्षा। तो चलें, सबसे पहले इसके चेंज करने के लिए हमको डाउनलोड करना पड़ेगा एक थीम। तो वो थीम हमने डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए उसे अप्लाई कर देते हैं। तो हम चलिए चलते हैं थीम में। तो दोस्तों, अभी हम थीम में आ चुके हैं, तो हम चलते हैं डाउनलोड में चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वो थीम जो हमने डाउनलोड किया है 10 प्रो। तो आप इसे अप्लाई कर लीजिए, आपको इस थीम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर थीम का अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये थीम अप्लाई हो चुकी है हमारी। तो आप देख सकते हैं अभी ये ब्राइटनेस की लुक कुछ MIUI 10 की तरह हो चुकी है, ये कुछ MIUI 10 की तरह जैसे देखने में लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये हम चेंज कर सकते हैं इस चीज़ से। और हम बात करते हैं अब, जो आपने देखा होगा बैलून पर कुछ ये ऐसा आता है अभी MIUI 10 में, तो हम इसे भी चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमने डाउनलोड कर रखा है, इस एप्लीकेशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इसे भी ओपन करते हैं और आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऑन करना पड़ेगा। तो हम फटाफट ऑन कर देते हैं, इस एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से अलाउ कर देते हैं आपके फ़ोन में अच्छी तरीके से घुसने की। सो दोस्तों, हमने सारी चीज़ें ऑन कर दे दी हैं फटाफट, अब इसे भी ऑन कर देते हैं। सो दोस्तों, फटाफट हो गया। तो अभी ये देखिए सारी चीज़ें ऑन हो चुकी है, तो मैं आपको बैलून प्रेस करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, आप देखिए, आप कुछ इस तरीके से हो चुका है हमारा बैलून का लुक। आप इस तरीके से अलार्म बैलूम, नोटिफिकेशन कॉल की बैलूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है लुक देखने में। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से कुछ लुक आप अपने नोट 4 में कुछ MIUI 10 के लुक को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लुक को अपने MIUI 10 में चेंज कर सकते हैं बिना MIUI 10 के अपडेट मिले हुए। तो दोस्तों, मैं आपको अपना सेटिंग ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या हमको MIUI 10 का अपडेट मिला है तो नहीं। तो चलते हैं अपने फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी इस फ़ोन में बहुत ही पीछे है भाई, MIUI ग्लोबल वर्जन 8.2 है, आप देख सकते हैं 8.2.10 है, और एंड्रॉयड वर्जन है 8.6.1 है। तो बहुत ही पीछे चल रहा है एंड्रॉयड। आप अपने नोट 4 को MIUI 10 के कुछ लुक में चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, कि जैसा कि आप जानते होंगे, जब तक MIUI 10 का अपडेट नहीं मिलता तब तक आप अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से चेंज करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा मुझे लगता है ये बैलून का नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। बस फिलहाल। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं फेक है यार। मैं आपको यार इतना बता देता हूँ कि आप बिल्कुल भी MIUI 10 की तरह नहीं चेंज कर सकते, कुछ चेंजेस देख सकते हैं। जब तक आप अपने फ़ोन में MIUI 10 का अपडेट नहीं मिलता तब तक आप अपने फ़ोन को चेंज कर सकते हैं। आपकी इच्छा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, मेरा काम है बताने का, बाकी आप जो मर्जी वो कीजिए।
वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, और यार कुछ लोग फेक बोलते हैं तो बुरा लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप जब तक MIUI 10 का अपडेट नहीं मिलता है तब तक आप अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से चेंज करके यूज कर सकते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। और दोस्तों मैंने एक वीडियो में MIUI 1 को चेंज करके दिखाया है, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।